लेकिन अल्लाह आपका भला करे, हम लोग गए अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान में गए तो अल्लाह आपका भला करे, उन्होंने हम लोग कबाब खा रहे थे, एक लोग बैठे हुए, अभी ये जो काबुल का जो मेयर है, मेरे बहुत अजीब करीबी रिश्तेदार है, अजीज़ है, हाजी अब्दुल रशीद साहब, उसका नाम असल हाजी मोहम्मद है, तो ये लोग हमें ले गए थे, हम लोग ले गए, मौलवी सारे के सारे ईरान के, पाकिस्तान के, कहाँ कहाँ के उलमा आए हुए थे, उन्होंने हमें बुला दिया। मक्की साहब, ऊपर से जहाज़ आ गया, वो अमरीकी ड्रोन हमला वाला जहाज़ आ गया, हम लोगों ने कबाब छोड़ करके ऐसे भागे कि खुदा की पनाह। कबाब छोड़ करके ऐसे भागे, ऐसे भागे, हम तो भाग रहे थे, हमें तो शुगर नहीं था, लेकिन जो बुढ़े बुढ़े थे जिनको शुगर था वो हमसे आगे भागे, वो हमसे आगे भागे, ऐसे भागे कि खुदा की पनाह, मोटे मोटे थे कुछ। और फिर आगे जा करके तालिबान ने हमसे कहा कि हम किस तरह खुदकुश हमला करते हैं, फिदाई हमला, खुदकुश तो ना को, फिदाई हमला किस तरह करते हैं, उन जालिमों ने कैसे हमला करके मकानों को गिराते थे, बम उड़ाते थे, लेकिन वो खुद उधर से निकलते थे, उनका प्रैक्टिस इस किस्म का था। फिर उन्होंने एक जगह बारूद दफन किया। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं। एक जगह उन्होंने बारूद दफन किया, उन्होंने फिर एक तार ऐसे बांधी थी, फिर जो बूढ़े बूढ़े मौलवी थे उनको कहा कि तुम लोग दूर खड़े हो जाओ, तुम लोग दूर खड़े हो जाओ, दूर खड़े हो जाओ, और अगर किसी को दिल का आरिज़ है, जब ये धमाका होगा तो उसको दिल का हो सकता है अटैक हो जाए, और वो बंदा यह है कि उसको दिल का दौरा पड़ जाए, तो बूढ़े बूढ़े मौलवी जिनको दिल का आरिज़ है दूर, और जिसको शुगर भी ना हो, दिल की कमज़ोरी भी ना हो, वो अल्लाह आपका भला करे, क्या है दिल के आरिज़ भी ना हो, तो वो कर दे कि यहाँ इस तार को कैंची से काटे, करीब में आकर के दूसरे दूर दूर खड़े हो गए, कोई है माँ का लाल जो इसको काटे? अब कोई मौलवी भी तैयार नहीं, धमाका होगा, ये जो करीब होगा इसके लिए बहरहाल ये है कि सख्त किस्म का धमाका। अब मैं इसे शर्मिंदा हो गया कि नाम तो हमारा बड़ा है, लेकिन वहाँ फिदाई का जो अमीर है वो मेरे बिरादर है नस्बती, जिसको तुम लोग साला कहते हो, फिदाई का अमीर। मैंने कहा ये फिदाई का अमीर है, मैं अगर हमला न करूं कहेगा हमारा भेनोई कितना बड़ा बुजदिल है। अब मसला ये हो गया कि वो खुद बिरादर नस्बती फिदाई के अमीर है, मैं क्या करूं? लिहाजा अल्लाह आपका भला करे। मैंने कहा जी मुझे शुगर भी नहीं है, मुझे दिल का आरिज़ा भी नहीं है, मैं कर लेता हूं। कैंची उन्होंने दे दी, बस ये कि मैंने आखिर जाकर आँखें बंद करके आँखें बंद करके मैंने कहा या अल्लाह, बीवी बच्चों से रुख्सत भी नहीं किया, बीवी बच्चों से रुख्सत भी नहीं किया, ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो हो गया धमाका, धमाका हो गया। ओ दूर एक बाथरूम में हमारा एक मोटा सा मौलवी साहब था, वो गरीब गया हुआ था बाथरूम में, उसने समझा कि अमेरिका ने बमबारी की, उसने समझा कि अमेरिका, उसने इस्तिंजा भी नहीं किया, नाड़ा लेकर ऐसा भागा, ऐसा भागा। बाद में मुझे कहते ओ मौली मंजूर बेगैरत, खुदा तुझे गर्क करे बेगैरत, मेरा शलवार खराब हो गया। कहते खुदा तुझे गर्क करे बदबख्त आदमी। मैं अभी बात खत्म, आप समझे? तो अर्ज़ कर रहा था, पहली जमात तबलीग वाली जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे, और दूसरी जमात भी हमारी, वो अल्लाह आपका भला करे, कौन सी है? जमीयत उलमा इस्लाम है, जिहाद बिल लिसान कर रहे, बहुत बड़ी बात है। तीसरी जमात मैंने अर्ज़ किया, वो बहुत मुश्किल है, वो मैं भी अल्लाह आपका भला करिए कि उसामा का अब्बा हूँ, मेरा बेटा उसामा भी है, मैं भी अल्लाह आपका भला करिए कि क्या है, इसी तरीके पर क्या कहते हैं, एमन अज़वाहिरी, मैं उसका अब्बा हूँ एमन अज़वाहिरी। अब यहाँ से हमारे साथी असातिज़ हज करने के लिए गए, मैं बदबख्त सफ़र रह गया, मक्की साहब ने भी हमें बुलाया नहीं, तो वो बहुत बड़े आदमी है, उसने बुलाया नहीं, तो